सुप्रभातम। आज हम इस वीडियो के माध्यम से द्विगु समास का अध्ययन करेंगे। द्विगु समास का संस्कृत में परिभाषा होता है संख्या पूर्वे द्विगु, संख्या पूर्वे द्विगु। द्विगु समास कहां होगा? जिसका पूर्व पद संख्यावाची होगा। और संख्या क्या है? एक, दो, तीन, चार, पांच, नौ इत्यादि, ये सभी संख्याएं हैं। तो संख्या पूर्वे द्विगु, जिस सामासिक शब्द का पहला पद संख्यावाची हो, एक, दो, तीन, चार, पांच, नौ इत्यादि हो, और दूसरा पद संज्ञा, लिखा भी है मैंने, और दूसरा पद संज्ञा हो, उसे ही हम द्विगु समास कहते हैं। इसके पूर्व भी हम लोगों ने समास प्रकरण में समास के पांच भेदों का अध्ययन कर लिया। समास के कुल छह भेद हैं, जैसा कि मैंने प्रथम वीडियो में समास के बताया। यह समास का अंतिम भेद है जिसका नाम है द्विगु समास। इसके पहले हम लोगों ने अव्ययी भाव समास में पढ़ा, पूर्व पद अर्थ प्रधान अव्ययी भाव, जिस सामासिक शब्द का पहला पद प्रधान हो तथा अव्यय हो, मेल होने पर समस्त पद अव्यय बन जाता हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तत्पुरुष में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद अर्थ प्रधान हो तत्पुरुष, जिस सामासिक शब्द का बाद वाले पद का अर्थ प्रधान हो, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। द्वंद में हम लोगों ने पढ़ा चार थे द्वंद, यानी जिस समासिक शब्द के दोनों ही पद प्रधान है तथा बीच में चौर्थ छुपा है, वहां द्वंद समास होगा, या उसे ही हम द्वंद समास कहते हैं। ब्रह्मी समास में हम लोगों ने अध्ययन किया अन्य पदार्थ प्रधान मोहब्री, जिस सामासिक शब्द के दोनों ही पद प्रधान न होकर के बाहर से आए हुए किसी अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है, या जो समस्त पद है सामासिक विग्रह अन्य पद का विशेषण बन जाता है, वहां बहुव्रीहि समास होता है। उसके बाद तत्पुरुष समास के अंग के रूप में हम लोगों ने कर्मधारय समास का भी अध्ययन किया। कर्मधारय समास में हम लोगों ने जाना कि जिस सामासिक शब्द का विशेषण विशेषण बहुलम कर्मधारय, जिस सामासिक शब्द का पहला पद विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष्य होगा, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। और आज हम समास के अंतिम भेद द्विगु समास का अध्ययन कर रहे हैं। और द्विगु समास को पहचानने का क्या तरीका है कि जिस सामासिक शब्द का पहला पद संख्यावाची होगा, जहां सामासिक पद हमें मिलेगा, उस सामासिक शब्द का पहला पद यदि कोई संख्या है, मीन्स वहां द्विगु समास हो रहा है और वह द्विगु समास है। इसे याद कर लेंगे कि जिस सामासिक शब्द का पहला पद संख्यावाची हो, कोई संख्या हो तथा दूसरा पद संज्ञा हो, उसे ही हम द्विगु समास कहते हैं। जैसा कि उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाएगा, पहला उदाहरण है हमारा यथा त्रिभुवनम, त्रिभुवनम, त्रि मीन्स तीन, भुवनम भुवन, त्रिभुवनम सामासिक पद है हमारा त्रिभुवनम। सामासिक विग्रह क्या लिखेंगे? त्रयाम भुवनानां समाहार, यानी जहां तीन भुवनों का समाहार हो रहा है, जहां तीन भुवनों का समाहार हो रहा है, प्रथम पद क्या है? एकदम त्रि, और त्रि का मतलब होता है तीन, और समस्त पद में सामासिक पद में जब प्रथम पद संख्यावाची है तो वहां कौन सा समास होगा? अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं द्विगु समास ही होगा। सदैव यह जानेंगे कि जिस सामासिक शब्द में पहला पद कोई ना कोई संख्या आ गया है, वहां हमें द्विगु समासी होगा। त्रिभुवनम त्रयाणाम भुवनानां समाहार, ठीक वैसे ही त्रिलोकी कह रहा है, त्रि मन तीन, लोकी मन लोक संसार, त्रिलोकी त्रयाणाम लोकानां समाहार, तीन लोकों का समाहार, तीन लोकों का समाहार, जैसे भगवान शिव भी हैं
उन्हें त्रिलोकी कहा जाता है। त्रिलोकी त्रयाणाम लोकानाम समाहार पंचवटी पंच। यहां भी प्रथम पद क्या है? संख्यावाची है, तो यहां द्विगु समास होगा पंचवटी पंचानाम वटानाम समाहार, यानी पांच बरगद के वृक्षों का समूह। पंचानाम वटानाम, पंचानाम पांच, वटानाम बरगद के वृक्षों का समाहार समूह। पांच बरगद के वृक्षों का समूह पंचानाम वटानाम समाहार पंचवटी। प्रथम पद संख्यावाची है इसलिए यह द्विगु समास। इसके बाद आ गए हम सप्त सती। सप्त यहां भी सप्त क्या है? सप्त संख्या है जिसका अर्थ होता है सात। और जब प्रथम पद हम लोगों ने परिभाषा नहीं जान लिया कि द्विगु समास किसे कहेंगे या कहां जानेंगे, जहां समस्त पद या सामासिक पद का प्रथम पद जो है संख्यावाची होगा। तो सप्त सती सप्तानाम सतानाम समाहारः। यदि इसका विग्रह पूछते हमसे तो हम लिखेंगे सप्तानाम सतानाम समाहार, या विग्रह दे दे सामासिक विग्रह और समस्त पद पूछे तो हम सप्तसती लिखेंगे। इसके बाद अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी अष्ट अध्यायी। अष्ट क्या है? संख्या है। अष्ट का अर्थ होता है आठ और आठ एक संख्या है। प्रथम पद संख्यावाची है इसलिए यहां भी द्विगु समास होगा और अष्टाध्यायी विग्रह हो जाएगा अष्टानाम अध्यायानाम समाहार, माने आठ अध्यायों का समूह, आठ अध्यायों का समाहार अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी अत्यंत ही प्रसिद्ध शब्द है आचार्य पाणिनि के लिए, क्योंकि व्याकरण शास्त्र की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है जिसका नाम है अष्टाध्यायी और उसके रचनाकार है आचार्य श्री पाणिनि। त्रिफला फला त्रि 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 मीन्स तीन, यहां की संख्या है तो द्विगु समास होगा। यह पहला पद संख्यावाची हो जाएगा त्रयाणाम फलानाम समाहार। पंच पात्रम पात्रम पंच पंच, यहां प्रथम पद पंच है पांच है, यहां भी संख्या आ गया और यहां भी द्विगु समास होगा, इसका समासिक विग्रह हो जाएगा पंचानाम पात्राणाम समाहार। सप्ताह, सप्ताह का विग्रह क्या करेंगे? सप्तानाम अहनाम समाहार। सप्ताह सप्त अहम, यहां सप्ताह में सात दिन, सप्ताह कहने का मतलब ही होता है सात दिन। सप्तानाम अहनाम समाहार यानी सात दिवसों का, सात दिनों का समूह। तो ये हो गया सप्ताह। यहां भी प्रथम पद जो है संख्यावाची है, सप्त का होता है सात। तो जहां भी हमें मिलेगा जिसका प्रथम पद कोई संख्यावाची हो और बाद का पद संख्या हो, अर्थात उत्तर पद जो है संज्ञा, प्रथम पद संख्या हो और उत्तर पद संज्ञा हो, मेल हो रहा हो, वैसे समस्त पद को हम द्विगु समास करते हैं। द्विगु समास जानेंगे, द्विगु समास के विग्रह पर ध्यान देंगे कि हम द्विगु समास के जो समस्त पद है सामासिक पद है उसका विग्रह किस प्रकार करते हैं, यह बहुत आवश्यक है। ऐसे परीक्षा में पूछे जाने योग्य जो भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है उन शब्दों का मैंने इस वीडियो में समावेश किया है। यदि ये शब्द आए तो इसके विग्रह से आप पूर्ण परिचित हो गए और आपको लिखने में जानने में समझने में उत्तर देने में कभी कोई दिक्कत न हो। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने समास के अंतिम भेद और तत्पुरुष के अंग के रूप में द्विगु समास का अध्ययन किया। तो समास के कुल भेद छह हैं और समास के कुल छह भेदों का अध्ययन हमने कर लिया, लेकिन परीक्षा में एक और समास है जिसको पूछ देता है और वह भी तत्पुरुष समास का ही अंग है और उसका नाम है नए समास। तो अगले वीडियो में हम नए समास का अध्ययन करेंगे। यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अवश्य लाइक करें, शेयर करें
ताकि अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठा सके। और अभी तक आपने मेरे चैनल आदित्यम संस्कृत को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं आपसे नए समाज के साथ। धन्यवाद।